नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और मैं आप सभी गार्डन लवर्स व प्रकृति प्रेमियों का अपने चैनल गार्डन सीक्रेट्स पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बोला था कि मैं डहलिया के फूल के रख रखाव, कीड़ों से बचाव और एक फर्टिलाइज़र जो मैं अपने डहलिया में देता हूं वो मैं अगले वीडियो में बताऊँगा, तो आपका इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई। दोस्तों, इस वीडियो में मैं वो सारी बातें बताने जा रहा हूँ। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो जो कि डहेलिया पे था वो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप ज़रूर जाकर देखिए और अपना प्यार दीजिए। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि डहेलिया अपने विभिन्न रंगों व बड़े आकार के कारण बहुत आसानी से आपके घर आंगन की शोभा बढ़ाता है और लोगों का मन अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, मेरे पास सुर्ख लाल, वाइट, प्योर वाइट और क्रीम कलर के डहेलिया हैं और इन्हीं के अपडेट पर मैं आज आपको विस्तार से बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप अपने डहेलिया के पौधे पर बड़े बड़े साइज के फूल लेना चाहते हैं तो पहला काम ये करिए कि आप अपने गमले को ऐसे जगह पर रखिए जहाँ पे इसे पर्याप्त धूप मिल सके। क्योंकि धूप तीक्ष्ण नहीं होती, इसलिए आप अपने डहेलिया के पौधे को फुल सनलाइट में रख सकते हैं। फिर बात करते हैं दोस्तों पानी की, तो अपने डहेलिया में आप पानी ज़रूर दीजिए और जब ऊपरी सतह सूखी लगे तो पानी देते रहिए। डहेलिया में जब भी पानी दें तो सीधे मिट्टी में दें, ना कि पौधे पर दें, क्योंकि इसके पत्तों पर ज़्यादा पानी लगने से फंगस का खतरा रहता है, पत्ते इसके ख़राब होते हैं और धीरे धीरे पौधा भी ख़राब हो जाता है। ज़रा इसका साइज तो देखिए दोस्तों, मेरे हाथ से भी बड़े साइज का ये है। देखिए, ये देखिए दोस्तों, कितने बड़े आकार का है ये डहेलिया का फूल। ये मेरा क्रीम कलर का है डहेलिया। किसी भी डहेलिया के पौधे पे देखिए दोस्तों, जितने फूल खिले हैं उतनी ही कलियाँ आई हैं और भी कलियाँ आती रहेंगी और ये अप्रैल महीने तक फूल देता रहेगा। फिर जैसे जैसे गर्मी की मात्रा बढ़ेगी वैसे वैसे ये धीरे धीरे फूल देना बंद करके ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, धूप और पानी का ध्यान रखते हुए आपको एक ध्यान और रखना पड़ेगा कि डहेलिया बहुत ही नाजुक पौधा है, अगर तेज़ हवा आती है या तो इसका फूल बड़ा हो जाता है तो भारी हो जाता है तो टूटने का डर रहता है, इसलिए आप इसके अगल बगल लकड़ियों के सपोर्ट से स्टिक लगा दें, जिससे कि अगर तेज़ हवा हो या बरसात हो तो आपका पौधा टूटे ना। ऐसे तो दोस्तों मुझे सारे डहेलिया के कलर प्यारे लगते हैं, पर ये जो प्योर वाइट कलर है ये वाकई में बहुत ही मन को आकर्षित करता है दोस्तों। और इसकी डिज़ाइन भी देखिए दोस्तों, कितने प्यारे शेप में है ये, और कलियां भी देखिए निकल रही हैं। और जो फूल इसमें सूख जाए उसे तोड़ के निकाल देना है, जिससे कि पौधा इनकरेज करे और कलियां लाने के लिए। पॉट साइज़ की बात की जाए दोस्तों, तो डहेलिया को 8 इंच या इससे ऊपर का ही गमला देना चाहिए। जितना बड़ा गमला रहेगा उतना ज़्यादा इसका ग्रोथ होगा और जितना ज़्यादा ग्रोथ होगा उतनी ही कलियां और फिर फूल भी आएंगे। दोस्तों, महीने में 1 से 2 बार अपने गमले में निराई गुड़ाई ज़रूर करें, जिससे जो खरपतवार इसमें उगाते हैं उनको निकाल के आप फेंक दीजिए, क्योंकि आपके पौधे में जो भी खनिज लवण जाना है वो ये खरपतवार अवशोषित कर लेते हैं। अगर आपके पौधे के पत्तियों पे धूल जमी हो तो उसको पानी से धो दें, वो भी धोने का समय सुबह है, क्योंकि
सुबह के टाइम आप धोएंगे तो फंगस लगने का डर नहीं रहेगा, क्योंकि उसके बाद धूप होगा, सुबह के बाद धूप होगा, जिससे पत्तियां आसानी से सूख जाएंगी और फंगस का ख़तरा नहीं रहेगा। ये मेरा एक और कलर का डहेलिया है जो कि बाई कलर कहा जाएगा, क्योंकि इसमें जो सेड पर किनारे किनारे पर वाइट है और फूल का कलर पिंक है, ये भी बहुत ही प्यारा शेड वाला फूल है। दोस्तों देखिए, इसमें भी ढेर सारी कलियां और फूल आप देख सकते हैं। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, अभी पूरा खुला नहीं है, ये देखिए ये पूरा खुल गया है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, किनारे किनारे वाइट और ये पूरा फूल गुलाबी कलर, कितना प्यारा लग रहा है। ये भी देखिए साइज में कितना बड़ा है, अपने हाथ से तुलना करने पर कितना ये बड़ा दिख रहा है दोस्तों, देखिए। और इसमें भी ढेर सारी कलियां आ रही हैं। अगर पेस्ट की बात की जाए दोस्तों, तो इस पर फंगस ज़्यादा लगते हैं और कीड़ों में इस पर एफिड्स और लीफ कटर लगते हैं। इससे बचाव के लिए आप महीने में एक बार नीम ऑयल का छिड़काव करें, खूब अच्छे से पत्तियों के नीचे ऊपर हर जगह स्प्रे कर दें, जिससे कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे और आपका पौधा स्वस्थ रहेगा। पौधा स्वस्थ रहेगा तो इसमें अच्छी अच्छी कलियां आएंगी और कलियां फूल के रूप में भी बदलेंगी और आपका घर आंगन खिलखिला देंगी। दोस्तों कुछ कीड़ों को तो हम लोग भगाते हैं, पर कुछ कीड़ों को हम लोग बुलाते हैं जो कि पॉलिनेटर्स होते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे सब्जी और फल के पौधों के लिए। अगर वो पॉलिनेट नहीं करेंगे तो फल नहीं लगता, इसलिए हम लोग पॉलिनेटर्स के रूप में बीज और तितली मधुमक्खियों इन सब को बुलाते हैं, और उनको बुलाने के लिए ये डहेलिया का फूल भी उसमें मदद करता है। ये मधुमक्खी बीज को बहुत बुलाता है, आकर्षित करता है, वो आते हैं रस चूसने के लिए और हमारा और भी काम करते हैं। का वैज्ञानिक भाषा में नाम दिया गया है पॉलिनेशन। ये देखिए एकदम सुर्ख लाल कलर का कितना प्यारा लग रहा है ये डहेलिया, और ये वाइट वाला देखिए ये भी कितना प्यारा लग रहा है दोस्तों, और क्रीम कलर वाला भी बहुत प्यारा है दोस्तों। ले देखिए सारे डहेलिया के फूल जितने भी कलर सेट्स में आते हैं सब प्यारे होते हैं दोस्तों। अगर बात की जाए फर्टिलाइज़र की दोस्तों, तो इसमें सरसों का लिक्विड फर्टिलाइज़र, चाहे प्याज के छिलकों का लिक्विड फर्टिलाइज़र या केला के छिलकों का लिक्विड फर्टिलाइज़र सबसे बेस्ट रहेगा। अगर आप केमिकल की तरफ जाना चाहते हैं तो NPK 18-18-18 या आपके पास जो भी हो NPK 19-19-19 को 1 लीटर पानी में मिलाकर खूब अच्छे से स्प्रे करें और इसमें मिट्टी में भी डाल दें। तो दोस्तों इन सिंपल केयर की मदद से आप अपने डहेलिया में ढेरों फूल और कलियां पा सकते हैं। मैं आप लोग को अपना एक और कलर का डहेलिया दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये जो है मेरा डहेलिया, ये येलो कलर का डहेलिया है, इसमें बीच में रेड का भी है, और जितना प्यारा ये बिना कैमरे का दिखता है, ये कैमरे में उतना प्यारा नहीं आता दोस्तों। और ऐसे ये बहुत प्यारा कलर है, अभी ये पूरा खिला नहीं है, देखिए बीच से अभी और खिलेगा और बड़ा होगा ये। इसमें भी कलियां देखिए, हर तरफ कलियां आ रही हैं हर ब्रांच में, और धीरे धीरे ये कई फूल सुंदर सुंदर आपको देखने को मिलेंगे। आपको दोस्तों मेरे डहेलिया में से किस कलर का डहेलिया पसंद है दोस्तों, कमेंट में बताइए, और आप कौन सा डहेलिया लगाए हैं, किस कलर का लगाए हैं, ये भी कमेंट में बताइएगा दोस्तों। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों,
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, कोई क्वेरी हो तो कमेंट में लिखिए, मैं अवश्य जवाब दूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, शुक्रिया।